अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मेरा नाम बहराम अली और आज हम मौजूद थे सुजुकी एवरी के लॉन्च इवेंट पे, एक्सपो सेंटर में आए हुए। हमारे पीछे जो है टॉप ऑफ द लाइन जो है वो गाड़ी वो यहाँ पे इस वक्त अवेलेबल है। इसको इन्होंने दो वेरिएंट्स में लॉन्च किए हैं, VX और VXR, और दोनों के नीचे जो है एक VVD का इन्होंने बैच भी एड ऑन कर दिए। सुजुकी एवरी को अगर आप देखें तो जो जापानीज जिस तरह से आता था उसी तरह के बॉक्सी डिज़ाइन है। फ्रंट पर जो है आपके इसके अंदर एक वो उन्होंने हुड भी दे दिए जिसके ऊपर सुजुकी के एम्ब्लेम आ जाते हैं। फ्रंट पे आपके पास दो ग्रिल्स हैं जिसके पीछे जो आपके हीट एक्सचेंजर आ जाते हैं, और इसके सामने आप देख सकते हैं कि ये AC के वो जो एवेपोरेटर है यहाँ पे। और हेडलाइट्स की तरफ आ जाएँ तो जो है हैलोजन हेडलैम्प्स हैं, यहाँ पे आपकी पार्किंग लाइट आ जाती है और यहाँ पे आपके इंडिकेटर आ जाते हैं, और इसमें हाइट एडजस्टमेंट भी उन्होंने दिए। साइड पर आप आएँ तो सबसे पहले 12 इंच के जो सील रीजन, दीज आर स्टैंडर्ड फॉर बोथ द वेरियंट्स, और इसके ऊपर जो है वो एक लोकल टायर लगा है। इस टायर के पीछे जो है आपके सारा सस्पेंशन आ जाता है, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर शील्डिंग दी गई है, मड फ्लैप्स आ गए हैं। साइड मिरर्स हैं वो बॉडी कलर्ड नहीं है। अगर हम इसको यहाँ पे दरवाजे की तरफ देखें तो जिसके हैंडल्स हैं वो भी जो है वो कलर मैच नहीं, बॉडी कलर मैच नहीं, बट उसके साथ ही कील होल की ऑप्शन है। अगर हम इसको ओपन करें तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है वो प्लास्टिक का मटेरियल यूज़ किया जिसमें डिफरेंट टेक्सचर्स आ जाते हैं। नोटिसेबल चीज़ है कि जो इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में फ्रंट की दोनों विंडोज आर पावर्ड, और जो ड्राइवर साइड है दैट इज़ ऑटो डाउन, ऑटो अप भी है शायद, बट आई एम प्रीटी श्योर कि ऑटो डाउन तो ज़रूर होगी। और ये लॉक का बटन है, यहाँ पर आपके डोर का हैंडल आ गया जिसे आप उसको ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं, और ये इसके अंदर जो है वो सेंटर लॉकिंग भी है। यहाँ पे एक कंपार्टमेंट आ गया, नीचे जो है कप होल्डर आ जाएगा, और यहाँ पे भी और कंपार्टमेंट। सबसे पहले जो नोटिसेबल चीज़ है कि जो ये इतना बड़ा दरवाज़ा है उसकी वजह से जो आपका एंट्री एग्जिट है वो बहुत अच्छा कर दिया गया है। और अगर हम इसके फर्स्ट उसमें देखें तो सेफ्टी का बहुत अच्छा ख्याल रखा गया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि उसके फ्रंट पे आपके ड्राइवर और पैसेंजर साइड पे जो फ्रंट रो के जो ऑक्यूपेंट्स हैं उसके लिए जो है वो एयरबैग्स आ गए, पावर स्टीयरिंग है, और फ्रंट पर जो स्पीडोमीटर है वो जो है सिर्फ एक एनालॉग स्पीडोमीटर है। नीचे ये एक छोटा सा उन्होंने डिस्प्ले डिस्प्ले दिया हुआ है। अच्छा, ये साइड पे जो फ्री एरिया आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर डिफरेंट जो है वार्निंग लाइट्स हैं, इंजन चेक लाइट आ गई, ऑयल के प्रेशर का आ गया, बैटरी का आ गया, और आपके पावर स्टीयरिंग का भी आ गया। लेफ्ट साइड पर जो है इसके अंदर सीट बेल्ट रिमाइंडर भी है, जो कि अगेन वही वाली बात है, सेफ्टी का बहुत इसमें ख्याल रखा गया है। इसको दोबारा करें तो ABS की भी है, हैंड ब्रेक की भी है, और मतलब कि कंप्लीट अरे ऑफ वार्निंग लाइट्स इसके अंदर आपको आ जाती हैं। अच्छा, इसके अंदर डोर ओपन वार्निंग भी है। स्टोरेज कंपार्टमेंट इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा हैं। आप मीटर के यहाँ पे साइड पर भी हैं, AC वेंट्स आ गए, यहाँ पे कप होल्डर है, यहाँ पे भी आप स्पेयर चेंज या कुछ भी आप जो है रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। और मेरी सीट के नीचे जो है इसके 660cc का इंजन है जो कि 3 सिलेंडर है। इंजन की बात करें तो ट्रांसमिशन जो है दैट इज़ 5-speed मैनुअल, अगेन दोनों वेरियंट्स में 5-speed मैनुअल है। अच्छा, राइट साइड पे जो है वो आपके लाइट के कंट्रोल्स हैं, लेफ्ट साइड पे फ्रंट के वाइपर्स, और इसमें रेयर का वाइपर भी है विद वॉशर। और अगर हम देखें तो 4 आपके पास AC वेंट्स आते हैं, तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, उसके अंदर एयर कंडीशनिंग की ऑप्शन है, हैजर्ड का बटन आ गया, और यहाँ पर जो आपको ऑडियो सिस्टम नज़र आ रहा है इसके अंदर Hey Siri लिखा हुआ है। आई एम प्रीटी श्योर के दिस विल इंक्लूड सम सॉर्ट ऑफ वॉइस एक्टिवेशन, बट उसके अलावा ब्लूटूथ और FM और सब USB सब चीज़ों की ऑप्शन है। उसके हम नीचे आ जाएं, अगेन एक स्टोरेज कंपार्टमेंट आ गया, और साथ यहाँ पे सिगरेट लाइटर तो नहीं बट आप यहाँ पे अपने चार्जिंग की कोई भी चीज़ वो लगा सकते हैं। और एक और चीज़, ये सारे सिंगल जोन एनालॉग जो है आपका AC कंट्रोल आ गया, जिसके अंदर 4 की फैन स्पीड आ गई, AC का बटन, जिस तरह से आपको एक नॉर्मल ऑल्टो में जो होती है चीज़, ये वही उसी तरह के पैनल है। पैसेंजर के लिए SRS एयरबैग आ गया, कप होल्डर, मैसिव स्टोरेज स्पेस, और ग्लव बॉक्स भी काफ़ी बड़ा है। और फ्रंट का जो पूरा माहौल है ना वो काफ़ी खुला है, आपकी विजिबिलिटी स्क्रीन की काफ़ी अच्छी है। सीट्स इस दफ़ा मैं बिल्कुल बताऊँगा एज अ फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो काफ़ी कम्फर्टेबल है, ठीक है। और अगेन पोजिशनिंग ऑफ ड्राइविंग और पोजिशनिंग और ड्राइविंग और सब कुछ जो है उसका काफ़ी इन्होंने जो है वो ख्याल रखा गया। इन्होंने रिलायबिलिटी के बाद कंफर्टेबिलिटी और सेफ्टी, उसको हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट किया है, और वो नज़र भी आ रहा है इस दफ़ा। और क्वालिटी और जो मटेरियल का यूज़ है, ऑल दो इट इज़ ऑल प्लास्टिक, बट फील इज़ वे बेटर। फील जो है ना वो इट इज़ नॉट एक्चुअली चीप। रेयर व्यू मिरर आ गया, ये सिंपल सनशेड है, इसके अंदर कोई वैनिटी मिरर नहीं है, और ये एक और मैसिव पॉकेट जो है ना ये आपके पास यहाँ पे ऊपर आ जाती है, विच इज़ ऑल्सो प्लास्टिक। हेडलाइनर जो है वो काफ़ी
अगेन उसका फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छा है, और इसके अंदर इस दफ़ा इन्होंने 4 सीट बेल्ट जो हैं वो स्टैंडर्ड दे दिए हैं। सुजुकी ने जिस तरह के दरवाजे बनाए हैं तो उस लिहाज से एंट्री एग्जिट बहुत सुकून का है, मतलब कि फ्रंट हो या रेयर हो बहुत सुकून का है, और जो फ्लोर बोर्ड है वो थोड़ा सा रेज्ड है। अगर आप ये नोटिस करें, मतलब कि मेरा जो सिटिंग पॉस्चर है वो थोड़ा सा रेज लग रहा है। लेट्स टॉक अबाउट कुछ ज़रा कलर से रिलेटेड कि क्या क्या है। फैब्रिक सीट्स हैं, ठीक है, और उनका डिज़ाइन भी फ्रंट और रेयर का काफ़ी बदला गया है। इवन के फ्रंट सीट्स में भी जो है ये कुछ शोल्डर्स इन्होंने बनाया था कि आपकी जो कंफर्टेबिलिटी है ड्यूरिंग टर्निंग्स और जो चढ़ाइयों पे अगर आप इसे लेके जाएँ तो वो बेहतर हो जाए। रेयर की आर प्रॉपरली बेंच सीट्स, और ये डार्क ग्रे कलर का जो है टेक्सचर्ड फैब्रिक मटेरियल है, कि यहाँ पे भी जो डोर हैंडल है दैट इज़ अगेन वेरी, मतलब लेस एफर्ट के साथ जो है आप इसको खोल बंद कर सकते हैं, और ये देखें ईजीली। और पिछली विंडोज जो हैं वो मैनुअली रोल डाउन कर देती हैं, अगेन वेरी मिनिमल एफर्ट रिक्वायर्ड। और एक चीज़ जो मैंने अभी नोटिस की है जो मिसिंग है, नो ग्रैब हैंडल्स, जो कि आई थिंक सो होने चाहिए थे। ठीक है, फ्रंट पे आपको पैसेंजर के लिए मिल जाते हैं, बट रेयर पे देयर आर नो ग्रैब हैंडल्स, और हाई रूफ सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन है तो हेडरूम तो भाई बहुत ज़्यादा है। फ्रंट की जो ड्राइवर पैसेंजर सीट है वो आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं और आगे पीछे कर सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट के ये कितनी फ्लैट होती हैं। अगर मैं बाहर आके दिखाऊं तो ये साइड पे आपका एक लैच आ जाता है, इससे ये नीचे हो जाती हैं, और सेकंड लैच को अगर आप करें तो ये बिल्कुल आपके पास जो है ये फ्लैट हो गया है। अब चलते हैं इसकी बैक स्पेस की तरफ। सबसे ऊपर देखो तो यहाँ पे ब्रेक लैंप आ जाता है, उसके साथ जो है वॉशर आ गया, और एक ये आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस, क्योंकि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम विद EBD जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, अगेन फोकसिंग ऑन द सेफ्टी, ताकि जो इसके ऑक्यूपेंट्स हैं वो जो है वो प्रॉपरली इसमें सेफली जो है वो ट्रैवल कर सकें। और रेयर वाइपर भी आ गया आपके पास, नीचे सुजुकी की बैजिंग की होल, और यहाँ पे लैच आ गया। इसको खोलने से पहले आप यहाँ पे देखें तो VXR और VVT की बैजिंग आ गई है, और यहाँ पे आपके सुजुकी एवरी का जो है बैज आ गया। नीचे जो है यहाँ पर रेयर लाइट्स आ गई, इंडिकेटर और रिवर्स लाइट आ गई। अब इसका रेयर हैच हम खोलें तो काफ़ी बड़ा है, आप एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम अ मेटल रेयर हैच के, अगेन एफर्ट लगेगी, भारी होगा, बट इसके अंदर जो है उन्होंने शॉक एब्जॉर्बर्स दिए गए, तो आप अगर आप इसे छोड़ दें तो इसकी जो फैक्ट्री प्रीसेट हाइट है उस पर जाके रुक जाएगा, और बहुत बड़ी जगह, ठीक है, बट देर आर नो रेयर स्पीकर्स, नो AC वेंट्स, नथिंग, बट रेयर कंपार्टमेंट के लिए उन्होंने इस दफ़ा हेलोजन लाइट ज़रूर दे दी है। हर एक एस्पेक्ट को जो बुलान जो था वो मिस करता था उसको इन्होंने इस दफ़ा रिवर्क किया है, और इस दफ़ा उन्होंने चीज़ें ऐड ऑन की हैं ताकि जो कंज्यूमर है उसको एक बेहतर प्रोडक्ट मिल सके। तो अब चलते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव पे और देखते हैं कि सुजुकी एवरी का जो 660 CC इंजन है वो किस तरह का परफॉर्म करता है। तो इस वक्त हम आ चुके हैं अपनी टेस्ट ड्राइव के लिए, और इसको हम चलाते हैं और साथ साथ जो है और चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं। और मैनुअल ट्रांसमिशन है इसके अंदर, 5-speed 660 CC नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, एंड इट इज़ रेयर व्हील ड्राइव। जिस तरह बुलान डब्बा था ये भी रेयर व्हील ड्राइव है, और उसके अलावा अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करें तो इंजन की फील इज़ मोर लाइक जिस तरह ऑल्टो की ही होती है, बट इतने बड़े अगर आप, मतलब ऑल्टो से ज़ाहरी बात है साइज़ बड़ा है और वेट ज़्यादा है, बट इसकी जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो बहुत अच्छी आ रही है। और मीटर जो है वो एनालॉग है, 140 किलोमीटर की उस पर स्पीड शो कर रही है, और नीचे जो है वो डिजिटल आपके पास फ्यूल गेज आ गई है, ये एवरेज भी बल्कि इसके अंदर जो है वो शो कर रहा है, और वो है इंस्टेंटेनियस एवरेज है कि अगर आपके अकॉर्डिंग टू जो अभी आप एक्सीलेटर जो आप यूटिलाइज कर रहे हो उस लिहाज से क्या है, अगर हम इसको प्रेस करें तो ये टोटल एवरेज भी आपकी जो है वो भी दे देगा, जो अभी 11.1 किलोमीटर पर लीटर शो हो रही है। अच्छा, इंजन नॉइज़, कैबिन नॉइज़, इसका बहुत अच्छा ध्यान रखा गया आपको, हालांकि जो बिल्कुल ड्राइवर सीट है उसके नीचे जो है वो इसका इंजन है, तो बट स्टिल आपको बहुत ज़्यादा अंदर, अगर मैं चुप भी कर जाऊं तो आपको अनॉय नहीं कर रहा। इसके दो वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं,
एक VXR है, VX है, और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट इज़ ऑलमोस्ट 28 लाख का, और जो उससे कम वाला वेरिएंट है दैट इज़ 2750। उसके अलावा उसमें वारंटी भी अच्छी खासी दी गई है, और प्लस इन्होंने जो लॉयल कस्टमर्स हैं और जो अर्ली गो गेटर्स हैं, जो अर्ली इसको बुक कराएंगे, उसके लिए डिस्काउंट ऑफर्स भी दिए हैं। तो होपफुली आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सुजुकी एवरी जो कि आज लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।